नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी हमले कर रही है श्री राहुल गांधी, श्री खड़गे जी और पूरी कांग्रेस पार्टी पर कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता कर लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी दल राजनीति करते हैं और राजनीति में वो तपस्वी तो है नहीं कि वो जाकर हिमालय में जाकर तप करेंगे। वो निश्चित तौर पर सरकार में आना चाहते हैं इसलिए कि उनके जो एजेंडे हों उसको पूरा किया जाए जनता के हित में। इसलिए जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है वैसे ही कांग्रेस पार्टी करती है या जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या अन्य राष्ट्रीय दल हैं, सभी के अपने अपने एजेंडे हैं और समय और परिस्थिति के अनुसार न केवल कांग्रेस को वरन भारतीय जनता पार्टी को भी समय समय पर सरकार बनाने के लिए अलग तरह के समझौते करने पड़े। लेकिन मैं आज ये कहना चाहूँगा कि याद कीजिए 1952 से लेकर 1967 तक की स्थिति को। तत्कालीन जो भारतीय जनसंघ पार्टी थी वो एक तरह से चूंकि उन पर एक चश्मा था कि ये ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है और ये दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी है, पूंजीवाद का समर्थक पार्टी है और ये हिंदू माने धार्मिक धर्म के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है, इसीलिए उनके साथ कोई भी गठबंधन करने से विपक्ष का कोई भी दल, जबकि कांग्रेस पार्टी के विरोध में विपक्ष पूरा था उस वक्त, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी हुआ करती थी तो उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी भी हिचकती थी, सोशलिस्ट पार्टी बाद में जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी रही ये लोग भी हिचकती थी। लेकिन एक वक्त आया जब 1963 में पार्लियामेंट में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आगमन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे चूंकि कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध हवा बनने लगी थी, 1965 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को मिलाकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ जिसके बड़े नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुए, श्री एस एम जोशी हुए, श्री कर्पूरी ठाकुर हुए, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता हुए, मधुलमय जैसे नेता हुए। लेकिन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का एक विंग अलग रह गया, फिर उसने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बना लिया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1965 में चूंकि पूरे देश में संघर्ष कर रहे थे विभिन्न मुद्दों पर जनता के लिए, तो वो उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने एक आवाज़ दी कांग्रेस के विरुद्ध गठबंधन बनाने का और धीरे धीरे इवन कि उस जमाने में भी श्री मधुलिमय जी ने विरोध किया था लोहिया जी का कि जनसंघ के साथ हम लोगों को कभी समझौता नहीं करना चाहिए, ये हमारी पार्टी के लिए उचित नहीं है, हम लोग समाजवादी विचारधारा के हैं और वो उन पर चूंकि वो आरएसएस से जुड़ी हुई पार्टी है। लेकिन लोहिया जी ने वक्त की नजाकत को समझते हुए कि कांग्रेस के विरोध में गठबंधन बनाना है और उन्होंने करके दिखलाया, आम तो मधुलिमय जी को स्वीकार कर लेना पड़ा और पूरे देश में एक हवा बही कांग्रेस के विरुद्ध, डॉक्टर लोहिया पूरे देश में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे 1967 के चुनाव में। उस वक्त तक लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुआ करते थे, केंद्र में मुश्किल से कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला लेकिन 10 राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें बनी और ऐसी ऐसी सरकार जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इन सभी राज्यों में जहां संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी और जो उस वक्त के अन्य जो दल थे उस सभी दलों ने स्वतंत्र सभी लोग मिलकर सरकार को चलाया, वहीं पर आकर भारतीय जनसंघ पार्टी की जो ये स्थिति थी कि कोई उनसे गठबंधन नहीं करना चाहता था, ये पहला कदम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उठाया जिनके कारण एक स्वीकार्यता उनकी बढ़ी। आज मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि डॉक्टर लोहिया जी ने पहला कदम उठाया था। दूसरा कि राज्यों में जो सरकारें बनी, चाहे वो श्री कर्पूरी ठाकुर जी रहे हों या चौधरी चरण सिंह जी रहे हों या अन्य जो मुख्यमंत्री हुए, उन लोगों ने भी जनसंघ घटक के साथ रहते हुए भी सरकारें चलाई, वहीं से स्वीकार्यता बढ़ी और अब
मैं ये बताऊंगा कि जब 1975 में देश में आपातकाल लगा, श्रीमती इंदिरा जी ने लगाया, तो इमरजेंसी में जो परिस्थितियां आई, तो चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर, पीलू मोदी, बीजू पटनायक, इन लोगों ने मिलकर भारतीय लोकदल की स्थापना की, सभी पार्टियों को मिलाकर। दूसरी ओर जनसंघ था और कांग्रेस टूट चुकी थी पहले ही 1969 में, तो कांग्रेस संगठन और छोटे 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 जो थे, बाद में कांग्रेस पार्टी से चंद्रशेखर जी का धरा निकला, जगजीवन राव का धरा निकला और सभी लोगों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। चूंकि उस वक्त सर्वमान्य नेता के रूप में उभर कर आए थे श्री जयप्रकाश राव और श्री आचार्य जे वी कृपलानी, वो भी समाजवादी, इन लोगों ने जनता पार्टी को बनाया। उसमें कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह की अहम भूमिका रही और भारतीय जनता जनसंघ भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उसमें मर्ज कर गया, तो मिलाकर जनता पार्टी बनी। तो दूसरी स्वीकार्यता श्री जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता ने जनसंघ को मिलाकर किया। इसके बाद के दौर को अगर आप देखें तो 1989 में जब जनता दल, जिसमें सोशलिस्ट घटक के लोग थे, लोकदल घटक के लोग थे और कांग्रेस से निकले श्री वीपी सिंह के साथी थे, ये मिलकर जनता दल बना था और उनके नेतृत्व में जो सरकार बनी, तो उसमें कहिए कि 1989 वाली सरकार में कहिए कि जो उसमें उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया। चूँकि 1980 में जब मधुल मैजी ने दोहरी नागरिकता का सवाल उठाया तो जनसंघ घटक उससे निकल गया और 1980 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हो गया था। तो 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह की सरकार का समर्थन किया, लेकिन जब वीपी सिंह जी की सरकार ने मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू करने की घोषणा की, तो फिर चूंकि उस आरक्षण का समर्थन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तो नहीं ही कर रही थी उस वक्त, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार की समर्थक पार्टी थी उसने विरोध किया, उसने समर्थन वापस ले लिया। बाद में वीपी सिंह जी की सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मंडल की काट के लिए मंडल का खेल खेला, रथ यात्रा निकली श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में और उस रथ यात्रा को एक सामाजिक न्याय के लीडर श्री लालू प्रसाद यादव ने बिहार में रोक दिया समस्तीपुर में। तो लेकिन हाँ, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से श्री लालू प्रसाद यादव की सरकार से भी समर्थन वापस लिया और उत्तर प्रदेश में भी उस सरकार से, जो श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उनसे भी समर्थन वापस लिया। तो वहाँ तक और बाद में चलकर वर्ष 1900 फिर भारतीय जनता पार्टी अकेले हो गई थी लगभग। तो जब जनता दल में फिर टूट हुई, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री नीतीश कुमार, श्री रवि राय जैसे नेता अलग हुए और अलग होकर उन्होंने समता पार्टी बनाई और समता पार्टी ने, श्री जॉर्ज और श्री नीतीश ने अहम भूमिका अदा की और 1996 में भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस बनाया और जो अलायंस आज तक रहा, वाजपेयी जी की सरकार बनाने में श्री जॉर्ज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये स्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। इसमें अपने देश के समाजवादी नेताओं, चाहे वो डॉक्टर लोहिया हो रहे हों, जयप्रकाश बाबू रहे हों, कर्पूरी ठाकुर रहे हों, बाद के दिनों में जो कहिए कि दौर आया तो उसमें नीतीश कुमार रहे हों, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, आज भी बिहार में अगर जमीन बीजेपी की बनी है तो उसमें श्री नीतीश जी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि आपकी स्वीकार्यता बढ़ाने में समाजवादी नेताओं ने बहुत ही अहम रोल अदा किया है और आज भी समाजवादी विचारधारा के जो बहुत लोग हैं, इससे वो व्यथित हैं कि काश ऐसा होता कि सिर्फ गैर कांग्रेसवाद के नाम पर अगर ऐसा नहीं होता तो आज देश की राजनीति कुछ अलग दिशा में होती और सोशलिस्ट पार्टी बहुत मजबूत पार्टी के रूप में पूरे देश में रहती। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।